हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल येट, प्लीज़ टू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के क्या टाइप्स है वो पढ़ेंगे। सबसे पहला है अकॉर्डिंग टू द एनफोर्सिबिलिटी या लीगलिटी, दूसरा है अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ फॉर्मेशन, और तीसरा है अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस और एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूशन। अगर एनफोर्सिबिलिटी की बात करें तो उसके अंडर में कौन से कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, वो है वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल, अन एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। मोड ऑफ फॉर्मेशन में है, मोड मीन्स तरीका, वे, किस वे से कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्ड हो रहा है उसके बेसिस पे देखे तो एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, कॉसी। अच्छा, एक और कॉन्ट्रैक्ट इसमें आता है जिसको कहते हैं ई कॉन्ट्रैक्ट। ओके, थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ या अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटरी के अंदर में है यूनिलेटरल और बायलेटरल। ठीक है, हम लोग एक एक सब पढ़ेंगे। सबसे पहला है अकॉर्डिंग टू एनफोर्सिबिलिटी, या बोलेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू द लीगलिटी की बात करें तो सबसे पहला है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ा था जिसमें कॉन्ट्रैक्ट के सारे एसेंशियल्स हो जो सेक्शन 10 में गिवन है, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बाइंडिंग है और एनफोर्सेबल है उसको हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। ए ने बी को बाइक ऑफर किया, बी ने एक्सेप्ट किया, तो ये एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है, दूसरा है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड एट द टाइम ऑफ इट्स मेकिंग बट लेटर ड्यू टू द चेंजेस इन द सर्कमस्टांसेस और इन लॉ इट बिकम अनएनफोर्सेबल और इट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जब बनाया गया तब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, लेकिन बाद में क्योंकि चेंजेस आ जाते हैं कभी सर्कमस्टांसेस में या फिर लॉ में चेंजेस आने के कारण, वो कॉन्ट्रैक्ट अनएनफोर्सेबल होता है। अनएनफोर्सेबल मतलब जो एनफोर्स्ड नहीं हो सकते, तो उनको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। एग्जांपल देखें हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के। ये मिस्टर एक्स है, इन्होंने अग्री किया कि वो बुक लिखेंगे इन पब्लिशर के साथ। ठीक है, इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब जो एक्स है, इनका एक्सीडेंट हो जाता है, ड्यू टू दिस उनकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जो मिस्टर एक्स थे उनकी डेथ हो चुकी है। यहाँ पे ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। वॉइड मीन्स क्या होता है, नो लॉन्गर बी एक्सेप्टेड। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो अभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जो वॉइड हो चुके हैं। सी है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, an agreement enforceable by law at the option of the aggrieved party is a voidable contract. ऐसे agreement जो कि enforceable है law के द्वारा, कब enforceable होगा, aggrieved party के option पे। इसका मतलब क्या हुआ, a contract which can be treated as valid or void। example से समझाती हूँ। let's say एक farmer है, उसको डरा धमका के किसी ने बोला कि इस contract पे sign कर और अपनी जमीन मुझे दे। अब अगर वो फार्मर कोर्ट के पास जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, क्योंकि वो डरा धमका के कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। और अगर वो चुप रहता है तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो वो अग्रीव्ड पार्टी यहाँ पे कौन है, फार्मर के ऑप्शन पे वो कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड है, इसको वैलिड बनाना है या वॉइड बनाना है। ठीक है, ये होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ एग्जाम्पल में मैं फार्मर लिख देती हूँ ताकि आपको एग्जाम्पल याद आ जाएगा। ठीक है, डी है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स जो कि लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड है, जो लॉ के द्वारा मना किए गए वाले कॉन्ट्रैक्ट है, जो फॉरबिडन है बाय लॉ। एन एग्रीमेंट विच इज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली, चाहे एक्सप्रेसली हो या इम्प्लाइडली, प्रोहिबिटेड है, रोक लगाई गई है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पे जो फॉरबिड किए गए हैं लॉ के द्वारा, इज एन इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल है क्रिमिनल एग्रीमेंट हो गया, किसी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया कि तुम इस एक्स नाम के व्यक्ति का मर्डर कर दो, तुमको तुम्हारी इतनी रकम मिल जाएगी, तो दिस इज एन इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ई है अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो अब हम एनफोर्स्ड नहीं करवा सकते। अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज गुड इन सब्सटेंस बट कैनॉट बी एनफोर्स्ड इन अ लॉ कोर्ट ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट्स, इट इज सेड टू बी अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो वैलिड है लेकिन कोर्ट उसे एनफोर्स नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल 2015 में ए ने बी से कुछ सामान खरीदा, अब 2019 हो गए,
और अभी तक इन्हें उस सामान का रकम नहीं चुकाई है। लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर 3 इयर्स क्रॉस्ड हो जाते हैं तब वो वाला एग्रीमेंट बैड हो जाता है। यहाँ पे बी जो है वो ए को सू नहीं कर सकता पेमेंट के लिए। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लिमिटेशन एक्ट, तो आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ फॉर्मेशन, किस वे से कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्ड हुए हैं उसके अंडर में देखेंगे कौन से कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड और कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, एक ई कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, ये चीज़ हमने कई बार पढ़ी है। एक्सप्रेस मीन्स जब टर्म्स और कंडीशंस एक्सप्रेस्ड होती है वर्ड्स या राइटिंग में। ए ने बी के सामने ऑफर रखा टेलीफोन के थ्रू, बी ने एक्सेप्टेंस भी टेलीफोन में दी, तो दिस इज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि ये वर्ड्स में हुआ है। ठीक है, बी है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट मेड अदरवाइज देन इन वर्ड्स, जो वर्ड्स में नहीं हुआ है इसको इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। सच कॉन्ट्रैक्ट इज इन्फर्ड फ्रॉम एक्ट्स और कंडक्ट ऑफ पार्टीज। ये भी हमने पढ़ा था कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो एक्ट से होती है या फिर कंडक्ट ऑफ पार्टीज मीन्स बाय बिहेवियर वाले कॉन्ट्रैक्ट्स। एग्जाम्पल देखते हैं, ए स्टॉप टैक्सी बाय वेविंग हिज हैंड एंड टेक्स हिज सीट। ए ने अपना हैंड को इस तरह से वेव किया, कुछ बोला नहीं है उसने, और वो टैक्सी रुक जाती है। यहाँ पे ए टैक्सी का दरवाजा खोल के अंदर बैठ जाता है। दिस इज कॉल्ड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। उस टैक्सी का ड्राइवर है वो उस पर्टिकुलर पर्सन को अपने डेस्टिनेशन पे छोड़ देता है। राइट, सी है कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो अधूरे हैं, आधे हैं। कॉसी मीन्स पार्शियली। ठीक है, अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ रियल कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इट इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ एनी एग्रीमेंट और इंटेंशनली मेड बाय पार्टीज। ठीक है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं क्योंकि ये किसी एग्रीमेंट से नहीं बनते या फिर पार्टी की इंटेंशन नहीं होती है बनाने की। इसमें कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड असेंशियल्स अवेलेबल नहीं होते हैं। एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ए है, उसका पॉकेट खो जाता है, और बी है उसका पॉकेट ढूंढ लेता है। ए जो ए पर्सन था उसका पॉकेट उसको मिल जाता है। अब बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पॉकेट उसको ए को वापस दे। ठीक है, अब यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए हैं, इनके बीच में कोई प्रपोजल एक्सेप्टेंस नहीं हुई थी। ठीक है, जैसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में होती है, ए और बी के बीच में कोई किसी प्रकार की बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी उस बी को क्या है, वो जो पॉकेट है ही हैव टू गिव बैक टू हिम। ओके, नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग कौन से कॉन्ट्रैक्ट है? फर्स्ट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट, फिर उसके अंडर में बाइलेटरल और यूनिलेटरल है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एग्जीक्यूटेड क्या होता है। अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच ऑल द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट हैव परफॉर्म देयर रेस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन इज नोन एज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, या फिर बोलेंगे उसको कंप्लीटली परफॉर्म्ड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो दोनों पार्टी अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से निभा रहे हैं, जिसमें दोनों पार्टी अपनी रेस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन या ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर रही है, उसको एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। कुछ भी बाकी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ए यहाँ पे जो है ऑफर करता है कि वो अपनी कार बी को देगा, लेट्स से 1 लाख रुपीज में। बी ने एक्सेप्ट किया, उसके बाद में ए ने अपनी कार सेंड की और बी ने अपनी प्राइस पेड की। राइट, दोनों ने अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट कर दी है, रेस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन पूरे कर दिए हैं, तो दिस इज नोन एज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। नाउ सेकंड वन इज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट मींस ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जहां पे परफॉर्मेंस जो है वो अभी पेंडिंग है, परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इज स्टिल पेंडिंग, वैसे वाले कॉन्ट्रैक्ट। एंड एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट इज वन इन विच ऑल और समथिंग स्टिल रिमेन्स टू बी परफॉर्म्ड बाय द पार्टीज। पार्टीज के द्वारा कुछ ना कुछ अभी रिमेन है परफॉर्म करने के लिए, अभी कुछ बाकी है, सारा परफॉर्मेंस नहीं हुआ है। ठीक है, इसका क्या एग्जांपल होगा कि जैसे ए ने प्रॉमिस किया बी को कि वो मैरिज पार्टी में डिनर सर्व करेगा उस पर्टिकुलर डे पे,
कंसिडरेशन के लिए, या फिर यही वाला एग्जाम्पल ले लें कि यहाँ पर जो कार ए सेंड करने वाला था अभी तक ए ने वो कार सेंड नहीं की है, अभी तक पेंडिंग है, ठीक है। दूसरा है, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस द कॉन्ट्रैक्ट कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज, ये एग्जीक्यूटिव के ही पार्ट हैं। पहला है बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। बायलेटरल बाय मीन्स क्या होता है, दोनों तरफ से, जिसमें टू पार्टीज हैं। अ बायलेटरल इज वन इन विच बोथ द पार्टीज एक्सचेंज अ प्रॉमिस टू ईच अदर, इट इज सिमिलर टू द एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। जैसे एग्जीक्यूटिव में दोनों पार्टीज ने प्रॉमिस किया था कि हम लोग फ्यूचर में ये कुछ पर्टिकुलर परफॉर्म करेंगे, राइट। वही सेम चीज यहाँ पे है, यहाँ पे भी टू पार्टीज हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल समझाती हूँ। लेट्स से ए ने प्रॉमिस किया कि वो कार को सेंड करेगा 20 लाख रुपीज में। बी ने एक्सेप्टेंस दी कि यस मैं लेने के लिए तैयार हूँ। तो दिस इज़ द बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, दोनों पार्टीज अपने प्रोमिसज एक्सचेंज कर रही है। तो ए जो है अपनी कार दे देगा और बी जो है 20 लाख रुपीस ए को सेंड कर देगा, दोनों पार्टीज अपने प्रोमिसज एक्सचेंज कर रहे हैं। दूसरा है यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनि मीन्स वन, जो एक साइड से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। इट इज़ वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पार्टी हैज़ परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी एंड अदर पार्टीज ऑब्लिगेशन इज आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब इस ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे एक पार्टी परफॉर्म करती है और दूसरी पार्टी की परफॉर्मेंस अभी बाकी है। यहाँ पे सिर्फ एक पार्टी की परफॉर्मेंस पेंडिंग है, ओनली वन पार्टी परफॉर्मेंस इज पेंडिंग। ये वाला एग्जांपल दे देते हैं, ए ने बी को क्या क्या ऑफर किया कार सेंड करने के लिए। अब ए ने जो है कार तो सेंड कर दी बी को, लेकिन बी ने अभी तक पेमेंट नहीं की है। दिस इज कॉल्ड यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। एक ई कॉन्ट्रैक्ट रह गया है जो अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ फॉर्मेशन में आता है। ई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि जब पार्टीज एंटर होती है कॉन्ट्रैक्ट में इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू, ठीक है। मैंने क्या बोला, व्हेन द पार्टीज एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, जैसे कि ईमेल हो गया, दिस इज कॉल्ड ई कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे, जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं यहाँ पे, इन कॉन्ट्रैक्ट्स के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। उससे पहले आपको ये वाला लेक्चर अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि फिर आपको डिफरेंस समझ में नहीं आएंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर इट एंड लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।